हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान, आपका स्वागत करता हूं मंत्रालयों में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं एसएससी, एमटीएस, रेलवे, आईबी ऑल एग्जाम के लिए। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था एज यानी आयु। तो चलते हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन कैसे होते हैं। पहले एक दो क्वेश्चन बेसिक है जो कि पिछले क्वेश्चन जैसे मिलते जुलते हैं, उसके बाद हम थोड़ा आज हार्ड लेवल चलेंगे यानी मॉडरेट लेवल चलेंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, 3:7 है। यानी कि ए कोई है और कोई बी है, इनका रेशियो जो दिया हुआ 3:7 दिया हुआ, यानी 3:7 है। यानी कि ए कोई है और बी कोई है, उन दोनों का जो रेशियो है आयु का वो है 3:7। दोनों का आयु का योग यानी कि इन दोनों का आयु का योग दिया हुआ 100 यानी 100। तो ए और बी की आयु ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए कि इन दोनों का योग कितना है प्रेजेंट टाइम में। भाई क्वेश्चन के अनुसार इसके अनुसार चला जाए तो इन दोनों का योग कितना है, ये कितना है 10, 7, 3, 10। बट क्वेश्चन के अनुसार जो कह रहा है वो इनका योग 10 ना होकर, टोटल इनका योग 10 ना होकर कितना है 100 है। इससे कितना गुना है 10 गुना। ऐसे ये भी इससे 10 गुना हो जाएगा और ये भी इससे 10 गुना हो जाएगा। यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा 30 और बी बराबर कितना आ जाएगा 70। और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस में हमने पढ़ा था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है और दोनों का योग 25 है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। यानी कि सेकंड नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये कह रहा है कि ए कोई है और कोई बी है, यानी कि ए रेशियो बी, इनका रेशियो जो दिया हुआ 3:2 कितना दिया है 2 दिया हुआ। अब इन दोनों का योग देखिए भाई, ये 3 है और ये 2 है, ये दोनों मिलकर कितना होगा 5। बट वो 5 ना कहकर कितना कह रहा है 25, कितना कह रहा है 25। इससे कितना गुना है 5 गुना, ये भी इससे 5 गुना होगा और ये भी इससे 5 गुना होगा। तो दोनों मिला के कितना हो जाएंगे 3 × 5 कितना हो जाएगा, ये ए बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 और बी बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। क्या ये इसका आंसर है, क्या ये इसका आंसर है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो 4 साल बाद कह रहा है, ये प्रेजेंट की वैल्यू निकली है। जैसा कि मैंने आपको पिछले भी बताया था कि जब ना दिया हो तो प्रेजेंट की वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं, यानी कि वर्तमान की वैल्यू मान के चलते हैं। तो ए क्या कह रहा है, ए 4 साल बाद, ये 4 साल बाद क्या होगा हमारा, तो क्या होगा 15 और +4। भाई आज आपकी जो है, मान लीजिए आज आपका फ्रेंड है या आज आप हो 18 साल की उम्र है और कोई कहे 4 साल बाद की उम्र क्या होगी, तो प्लस ही तो करेंगे, वही चीज है। यानी कि कितना हो जाएगा 19 वर्ष और बीज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 साल बाद, वो 4 साल बाद हो जाएगा कितना है 10+4 यानी कि 14 वर्ष। और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। एक मिनट इसमें थोड़ा सा इंक डाल दें फिर चलते हैं आगे। हाँ तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपको समझ आ गया। अब यहां से जो आएंगे तीसरे नंबर से वो हार्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि पेपर में अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाते ही जाते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप मिस मत करिए और देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा समझने का आपको फेर है। यदि आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन कर लोगे। देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, भाई आज से लगा के वो ये कह रहा है कि आज जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसे 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग क्या है 60 वर्ष है। भाई 5 साल पहले मान लीजिए वर्तमान है, ये क्या है वर्तमान है, ये फादर था और ये सन है, 5 साल पहले कह रहा है, 5 वर्ष पहले इन दोनों का योग,
इन दोनों का योग क्या है 60 साल है, इन दोनों का योग कितना होगा 60 साल है। इतना आपको समझ आया, इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट है। अब देखें 60 साल था, उसकी वर्तमान की आयु का अनुपात 4:1 है, यानी कि ये वर्तमान जो दिया है इन दोनों का अनुपात क्या है 4:1 है, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया है। तो पिता का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब पिता का वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है, तो एक बात आप ये बात समझो, सिंपल सी चीज, इन दोनों का योग कितना बन रहा है भाई, इन दोनों का योग देखा जाए तो 5 बन रहा है, और 5 साल पहले इन दोनों का योग देखा गया तो 60 साल बन रहा है, ये तो बहुत नाइंसाफी है, कैसे होगा देखते हैं। समझिए आप एक बात, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम, यदि कोई पूछे आपसे, यदि कोई पूछे कि आज आपकी 18 साल उम्र है, आज आपकी 18 साल उम्र है, और ये पूछा कि 3 साल पहले, 3 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, तो आप ये कहोगे सीधा सीधा 15 साल था, 15 साल कहोगे। अब यही चीज थोड़ा सा उल्टा हम कहते हैं कि 3 साल पहले आपकी उम्र 15 साल थी, और प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में आपकी उम्र क्या होगी, तो आप सिंपल से कह दोगे कि सर वर्तमान में 18 साल की होगी। क्यों? क्योंकि उसमें आपने जोड़ दिया भाई, जो 15 साल था उसमें आपने 3 जोड़ के 18 साल कर लिया, कि हाँ मैं प्रेजेंट में 18 साल हूं। वही क्वेश्चन तो ये कह रहा है, वही चीज तो ये कह रहा है कि जो ये फादर है और जो ये सन है, 5 साल पहले इन दोनों का आयु 60 था। अब एक चीज और कंफ्यूजन होती है, वो भी क्लियर कर दे। मान लीजिए आपका दोस्त है और आप है, आपका दोस्त और आप है, आप दोनों बहुत क्लोज है, दोस्ती क्लोज है, अच्छे फ्रेंड्स हैं। कोई ये कहे कि 5 साल पहले आप दोनों की उम्र भाई, आपकी 15 साल है और आपके दोस्त की 10 साल है, तो ये कहे कि आप दोनों की उम्र पीछे चला जाए 5 साल, यानी कि 5 साल पहले, तो आप क्या कहेंगे सीधे सीधे कि 25 साल उम्र थी हमारी भाई। आज से समझिएगा क्वेश्चन कि अभी आपका 15 साल है, वो 10 साल है, 15 साल है और 10 साल है आज की उम्र, और कहे कि आपका 5 साल पहले क्या उम्र होगी, तो आप सिंपल सिंपल ये करोगे कि 15 और 10 साल दोनों मिला के आपका कितना साल हो गया, 25 साल, यानी कि अभी का उम्र जो है 25 साल है, और 5 साल पहले वो कह रहा है, तो 5 साल आपका पहले उम्र क्या होगी, 15 साल था तो 10 साल हो जाएगा, और आपके दोस्त है वो 10 साल का तो 5 साल हो जाएगा, यही तो होगा, तो कितना होगा 15 साल होगा कि नहीं होगा, यही क्वेश्चन। एक बार फिर समझिए, मान लीजिए आपकी उम्र 15 साल है, आपके दोस्त की उम्र 10 साल है, प्रेजेंट टाइम में, अभी के टाइम में दोनों का योग देखा गया तो भाई 25 साल आ रहा है, तो कोई आया बंदा वो कह रहा है भैया अब दोनों का उम्र क्या है, तो आपने कहा 15 साल, वो कहा 10 साल, तो वो दिमाग में लगे दोनों का योग जोड़ दिया 25 साल है। अब उसका दिमाग में एक बात आई कि यार अभी 25 साल है दोनों की उम्र मिला के, तो पिछला 5 साल पहले इनकी उम्र क्या होगी, तो आप ये करोगे 5 साल अपने घटा दोगे, 5 साल उसमें घटा दोगे, तो घटाओगे तो कितना आएगा 15 साल भाई, 10 साल आपकी उम्र होगी भाई, 15 है तो 10 ही होगी आपकी, और वो 10 है तो वो 5 होगा, तो दोनों मिला के वो उस समय उस उम्र क्या हो जाएगी 15 साल, यही क्वेश्चन बस है और कुछ नहीं है। आप समझिए, ये कह रहा है कि 5 साल पहले, यानी कि 5 साल पहले आप देखोगे, देखिए 5 साल पहले यदि आप चलोगे तो 60 साल थी दोनों की उम्र, और फिर वहां से यहां नीचे आओगे इन दोनों में, तो क्या होगा 5 साल इसमें ऐड होगा और 5 साल इसमें ऐड होगा भाई। कोई ये कहेगा कि 5 साल पहले आपकी उम्र 15 साल थी और प्रेजेंट टाइम में 5 साल आज की उम्र क्या है, तो आप कहोगे 20 साल। आपके दोस्त की उम्र कहे कोई कि पहले कितने थे 10 साल थी 5 साल पहले और आज कितनी, तो 15 साल का हो, दोनों का उम्र हो जाएगा, तो इन दोनों का जब टोटल कर लेंगे हम तो कितना हो जाएगा 10 साल, क्या हो जाएगा 10 साल, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 साल, ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा आप ही बताओ, आप ही सोचो एक बार, 5 साल पहले इसकी उम्र थी कितना 60 साल, इन दोनों का योग है अभी, अभी वो मत सोचो, इसको मत सोचो, बस इतना समझो कि 5 साल पहले ये है, तो वापस नीचे आएगा तो 5 साल प्लस ही तो होगा, सही ना, तो 5 साल प्लस ही तो होगा, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 10 साल, यानी पहले उसकी उम्र थी 60 साल और 10 साल उनकी और जुड़ गया तो कितना आ गया, कितना आ गया भाई 10 साल और जुड़ेगा, यानी कि 60 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 70। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो बताओ,
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, पहले का इतना था और 10 साल इन दोनों में 5-5 साल का गैप हो गया, तो 10 साल आ गए, तो वापस यहां तक जब आएगा तो कितना हो जाएगा, वो 70 साल के हो चुके होंगे दोनों, 70 साल के दोनों हो चुके होंगे। ये है हमारा क्वेश्चन के अनुसार, बट हमारा जो वैल्यू आ रहा था वो 5 आ रहा था भाई, इनके अनुसार देखा जाए तो 5 आ रहा है, तो 5 नाव का कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 5 नाव का वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, इससे कितना गुना, 14 गुना, तो ये भी इससे 14 गुना और ये भी इससे 14 गुना, तो कितना हो जाएगा, 56:14, ये फादर हो गया और ये सन हो गया। समझ आया, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो फादर और सन, फादर और सन की उम्र क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा हमारा, 56:14, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा, कुछ नहीं है, बस एक बार आपको समझना है क्या इसमें कुछ नहीं, बस पहले वो जा रहा है तो बाद में तो 5 जोड़ के आएगा, तो 5 ही जोड़ दे, 5 ही तो 10 आ गया, 60 उम्र थी पहले तो 10 इसमें जोड़ दिया गया तो कितना आ गया, 70 आ गया, जब 70 आ गया तो सिंपल है ना, 5 तो हमारे हिसाब से आ रहा है बट क्वेश्चन के अनुसार 70 दे रहा है, इससे 14 गुना, तो उस हिसाब से ये भी हो गया, आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये दो टाइप से कर सकते हैं, एक तो मिस्टर एलिगेशन के अनुसार यानी मिश्रण के अनुसार कर सकते हैं, और एक हम एज के अनुसार कर सकते हैं। थोड़ा सा मिस्टर एलिगेशन का इसमें लगा हुआ है तो समझ लीजिए, क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, लड़के की औसत की आयु 12 वर्ष है, भाई लड़के जो होंगे टोटल उनकी औसत आयु क्या है, 12 वर्ष है, और लड़कियों की औसत आयु क्या है, 11 वर्ष है, लड़कियों की जो औसत आयु है वो 11 वर्ष है, उस विद्यालय के कुल औसत आयु, अब पूरा जो है विद्यालय की औसत आयु है 11 वर्ष 9 महीने, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ट्रिक देखिए, मिस्टर एलिगेशन में बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा, बट आप खाली इतना समझो, देखो कैसे क्या करते हैं, ये बॉय है और ये गर्ल है, ये बॉय है और गर्ल है, वो ये कह रहा है कि जो बॉय है या लड़के उनका आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष है, और लड़कियों की जो आयु है भाई, इनकी आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की आयु क्या है, 11 वर्ष है। अब इन दोनों का, तो दोनों का जब करते हैं, जब दोनों का टोटल होता है तो बीच में आता है, दोनों का क्या आता है, टोटल आता है जो बीच में आता है, 12 वर्ष और 9 महीना, 12 वर्ष और 9 महीना, ये आ गया। इतना आपको समझ आया भाई, ये टोटल हो गया बीच में और ये 12 हो गया, और ये इसको थोड़ा और इधर कर लो आप चाहो तो, जी इधर लिख दो, 11 हो गया, बीच में बिंदु लगा लो आप, इतना समझ आया। कुछ भी नहीं करना, इससे ये घटा देंगे, इससे ये घटा देंगे, जब ये घटा दिया जाएगा तो आप एक बात बताओ, 12 चला जाएगा 12 वर्ष से, तो कितना बच जाएगा, 9 वर्ष, 9 महीना बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा हमारा, और इसमें से ये घटाएंगे भाई, 11 में से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, सॉरी 11 महीने है, ये 11 महीने 9 वर्ष है, क्या है, 11 महीने 9 वर्ष है, तो 11 महीने 9 वर्ष है, पहले तो ये घटा देंगे तो ये 9 वर्ष आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आएगा, ये 9 वर्ष, 9 वर्ष आ जाएगा, और 12 में से 11 महीना और 12 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 महीना बचेगा कि नहीं बचेगा, कैसे आप ही बताओ, 11 साल हो चुके हैं पूरे और 9 महीने खत्म हो चुके हैं, तो 9 के बाद 10, 11, 12, 3 ही महीने तो बच रहे 12 साल में, तो 3 आ गया, ये बिंदु लग गया, जो करता हो काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3:1 आ गया, आ गया भाई, 3:1 आ गया हमारे पास, यहां तक समझ आया। अब देखिए, 3 तो लड़के हैं और एक लड़की है भाई, 3 तो बॉय है और एक लड़का है, दोनों मिला के कितने हैं, 4 है, बट वो 4 ना कह के कितना कह रहा है, 600 कह रहा है, वो 4 ना कह के कितना कह रहा है, 600 कह रहा है, इससे कितना गुना, 150 गुना है, 150 गुना,
तो ये भी इससे 150 गुना और ये भी इससे 150 गुना, तो रेशियो जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बॉय और गर्ल का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 5 15 और 4, 450 तो लड़का है और लड़कियां कितनी हैं, 150 है, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर एक बार समझिए, बॉय है और लड़के हैं, 12 महीना ये 12 साल ये दे दिया और 11 साल ये दे दिया, और टोटल जो वर्ष है हमारे पास जो टोटल है औसत है वो 11 वर्ष 9 महीने, तो इससे ये माइनस करेंगे तो 11 और 9 महीने, तो 11 से तो 11 खत्म हो गया, बचा एक साल, एक साल में 9 महीने चले जाएंगे तो बचा 3 महीने, तो 3 महीने ये बच गए हमारे, और इससे ये जाएगा 11 से 11 तो 9 बच जाएगा। इतना समझ आया, जब काट दिया गया तो क्या बच गया, 3:1 का टोटल हमारे पास 4 है, बट 400 नहीं है विद्यार्थी, कितने हैं 600 विद्यार्थी हैं, तो उसी हिसाब से ये भी हो जाएगा। इतना समझ आया। अब आता पांचवा नंबर, पांचवा नंबर सेम ऐसे है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 2700 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो उस विद्यालय में कुल औसत आयु 12 वर्ष 8 महीने है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें लड़कियों की संख्या पूछ ले, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 2700 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कों की औसत आयु 13 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, उस विद्यालय में कुल औसत आयु 12 वर्ष 8 महीने है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा वो नहीं है, बॉय और गर्ल है हमारे पास, उसमें क्या कह रहा है कि 13 वर्ष तो बॉय है और लड़कियां कितने हैं 12 वर्ष की हैं, टोटल क्या 12 वर्ष और 8 महीने है, ये दिया हुआ हमें, घटा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये 12 से बारह यहाँ 8 महीने आ जाएंगे और ये कितना आ जाएगा, 13 में से चला जाएगा 4 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2:1, दोनों मिला के कितना ही हमारा, दोनों मिला के हमारा कितना भाई, दोनों मिला के हमारा कितना 3, बट 3 नाव को कितना कह रहा है 2700, कितना कह रहा है 2700, तो ये क्या है 900 गुना। उसी हिसाब से लड़कियों की संख्या करना है, यानी कि गर्ल की संख्या क्या होगी हमारी, गर्ल बराबर क्या है भाई, इसमें भी 900 हो जाएगा और इसमें भी 900 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1 × 900 बराबर कितने हो जाएगा 900, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रवि और सूर्य से 12 साल छोटा है, कोई रवि होगा उसका भाई होगा सूर्य, उससे 12 साल छोटा है, रवि की आयु और सूर्य के आयु का योग का 37/1/2 है। छठवां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो 37/1/2% है, 1/2% है, 9 साल बाद सूर्य की उम्र क्या होगी, तो पहले तो आप ये बताओ इसका क्या होगा, 3/8, 3/8 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए एक रवि है और एक सूरज है, रवि और सूरज है ये है, अब ये कह रहा है कि इससे ये 12 साल छोटा है, 12 साल छोटा है, मैंने आपको प्रॉफिट लॉसेस में एक क्वेश्चन बताए थे, उसमें ये बताया था जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है, मान लीजिए 8 है तो ये टोटल कहलाती है, ये क्या होता है टोटल कहलाता है, और इसी में से जो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है वो क्या होता है इसका प्रॉफिट होता है, मान लीजिए 2 है तो ये क्या होता है प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये बताया था कि नहीं कॉन्सेप्ट आपको, यानी जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो एक्चुअल होती है टोटल होती है और इसका क्या होता है ऊपर वाली वैल्यू होती है लॉस होता है तो प्रॉफिट होता है, ये बताया था वही चीज है। अब समझिएगा, टोटल जो आयु है वो कितना है 8 है, टोटल जो आयु है वो कितना है 8 है, उसमें 3 आयु तो हमारा किसका है रवि का है, और जो बचा इसमें से भाई क्या बचा इसमें से आप बताओ, इसमें जो बचा, इसमें जो बचा वो कितना बच रहा है 5 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, 5 आयु किसकी होगी सूरज की,
होगी कि नहीं होगी, आप बताओ, होगी ना। अब बात समझो, यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जैसा कि प्रॉफिट लॉस ने बताया कि नीचे वाली वैल्यू होती है टोटल होती है, इन टोटल आयु जो वो 8 है, उसमें जो ऊपर वाली आयु है वो तो हमारा क्या है, रवि की आयु है। क्यों? क्योंकि रवि छोटा है तो रवि की आयु है, और जो सूरज है इसमें से जो माइनस होगा, जो बचेगा आयु, वही तो सूरज की आयु होगी, तभी तो आप दोनों जोड़ के देख लो 8 आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाइड है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि रवि जो है सूरज से 12 साल छोटा है, बट इसके अनुसार देखा जाए तो ये कितना छोटा है, 2 साल छोटा है। भाई 2 ही साल तो छोटा है इससे, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, 12 साल छोटा, इससे कितना गुना, 6 गुना होगा, तो ये भी 6 गुना होगा और ये भी 6 गुना होगा, यानी कि जो सूरज की आयु है वो कितना होगा, 5/6 होगा, और जो रवि की आयु है वो कितना होगा हमारा, जो रवि की आयु क्या है, 5/6 = 18 होगा, होगा कि नहीं होगा। ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, इतना हो गया तो समझ लीजिए आपको क्लियर हो गया। अब वो ये कह रहा है कि 9 साल बाद सूरज की आयु कितना होगा, तो सूरज की आयु निकाल देंगे तो सूरज की आयु क्या होगा, सूर्य की आयु क्या होगा हमारा, 9 साल बाद क्या होगा, प्रेजेंट आयु हमारी, ये प्रेजेंट आयु होती है, यानी कि ये वर्तमान आयु है, क्या है, वर्तमान आयु, यानी कि 30 अभी का है और 9 साल बाद वो देखेगा तो कितना हो जाएगा, 9 साल बाद वो देखेगा तो कितना हो जाएगा, 29 वर्ष का, और ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इतना समझ आया, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, इतना आपको समझ आया तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपको आ गया। अब आता है नेक्स्ट 7वां नंबर, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 7वां क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, डिफरेंट नहीं है। 7वां नंबर क्या कह रहा है, राम और अनूप से 12 साल छोटा है, यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है राम कोई है और अनूप कोई है, वो क्या है, राम अनूप से कितना साल छोटा है, 12 साल छोटा है, राम की आयु अनूप की आयु का योग क्या है, 40% है, राम की आयु और प्लस अनूप की आयु जो है वो क्या है, 40% है, कितना है, 40%, तो 40% है तो इसको पहले तो वो निकाल दो, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2/5, यही तो आएगा 2/5, यानी टोटल जो है इन दोनों की आयु, ये क्या है, टोटल जो है इनकी आयु क्या है, 5 है। अब क्या कह रहा है, छोटा है, तो राम की आयु और अनूप की आयु का योग 40% है, 9 साल बाद उम्र में अनूप की आयु का क्या होगा, अनूप की आयु 9 साल बाद क्या होगी, तो देखिए सिंपल चीज है, यदि राम की आयु, भाई छोटा कौन है हमारा, राम अनूप से 12 साल छोटा है, यानी राम 2 होगा तो अनूप कितना होगा इसमें से, भाई राम जब 2 होगा तो अनूप कितना होगा, ये अनूप कितना होगा, 3 होगा, होगा कि नहीं होगा, 3 होगा। ये दोनों देखा जाए तो राम जो है वो अनूप से कितना साल छोटा है, 12 साल छोटा, बट क्वेश्चन के अनुसार तो 1 साल छोटा है, तो 1 साल लाओ का कितना साल छोटा है, 12 साल, इससे 12 गुना होगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसी अनुसार ये भी 12 गुना होगा और ये भी 12 गुना होगा, होगा, यानी कि देखा जाए अनूप किसकी आयु पूछ रहा है, ये अनूप की आयु पूछ रहा, यानी कि 3 × 12 ये हो गया अनूप की आयु, ये क्या अनूप क्या है, वर्तमान में, ये वर्तमान में अनूप की आयु क्या हो जाएगा हमारा, भारतीय 36 साल है प्रेजेंट टाइम में, 9 साल बाद कह रहा है अनूप की आयु, तो क्या हो जाएगा, 36 + 9 कितना हो जाएगा हमारा, 45 साल, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, 45 वर्ष इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर है, बिल्कुल सिंपल सवाल। अब आता है नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, राधा और राजीव आयु, राधा और राजीव की आयु 40 साल और 60 साल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा और राजीव की आयु 40 और 60 साल है, यानी कि ये राधा है और ये कोई राजीव है, इनकी आयु क्या है, 40 साल और 60 साल है, 40 साल और 60 साल है इनकी आयु, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि कितने वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा।
अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, तो पहले तो आप देखे सुविधा के अनुसार बताऊं, यदि यहाँ 0 हम लगा दें दोनों तरफ और इसको काट दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सिंपल यहाँ ये 0, यहाँ ये 0 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से यहां तक आने में कितने का डिफरेंट पड़ रहा है? 10 का, 10 का ये डिफरेंट पड़ रहा है और 10 का ये डिफरेंट पड़ रहा है कि नहीं? यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा? 10 वर्ष। क्या आ जाएगा? 10 वर्ष पूर्व। क्या है? 10 वर्ष पूर्व। क्या आ जाएगा? 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 वर्ष पूर्व हम चलेंगे तो 40 वर्ष 60 साल हो जाएगा। है बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 9th नंबर क्वेश्चन देखिए। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमित राकेश से 5 साल बड़ा है। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमित कोई है वो राकेश से, यानी कि अमित जो है वो राकेश से कितना है? 5 साल बड़ा है। ठीक है, राकेश अनिल से 3 साल छोटा है, यानी कोई ये अनिल है उससे राकेश कितना छोटा है? 3 साल छोटा है। है क्वेश्चन जैसे जैसे बस पढ़ते जाना है उसमें। यदि अमित की आयु 17 वर्ष हो, भाई अमित की आयु क्या कह रहा है? यदि 17 वर्ष हो तो अनिल की आयु क्या होगा? तो अनिल की आयु क्या होगा? तो देखिए अनिल की आयु क्या कह रहा है, वो क्या होगा? तो सिंपल सिंपल इसमें लगा देंगे, यानी क्या है अमित और राकेश की आयु कितना है? 5 साल बड़ा है, यानी कि 17 माइनस 5 आर, यानी राकेश इसकल टू 5, तो कितना हो जाएगा राकेश की आयु? कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। जब इसकी आयु आ गई हमारे पास तो अनिल की आयु निकाल देंगे, तो अनिल की आयु क्या होगा? अनिल की आयु जो होगा माइनस आर इसकल टू 3 है, यानी कि अनिल की आयु जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस 12 इसकल टू 3, यानी कि अनिल की आयु जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 15 वर्ष, और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। है सिंपल सा, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम और मोहन की आयु का अनुपात क्या है? 5:4 है। 10वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 10वां क्वेश्चन देखिए, राम और मोहन की आयु क्या है? 4:5 है, यानी कि राम है कोई और कोई मोहन है, क्या है? 4:5 है। उसके बाद क्या कह रहा है? राम और अनिल की आयु के बीच का अनुपात क्या है? 5:6 है। राम और अनिल की आयु जो है वो क्या है? 5:6 है। अब आप एक बात बताओ, इन दोनों का योग क्या बराबर चल रहा है? इन दोनों का योग क्या बराबर है? नहीं है। जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो इनकी आयु क्या दिया है? टोटल जो आयु है तीनों का 69 साल है। तो तीनों का 69 साल कैसे रख दोगे भाई? पहले वो 4 था, वो 5 हो जाएगा? नहीं, बराबर चलना चाहिए दोनों में। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, ये जो वैल्यू होते हैं इसमें पुट कर दिया जाता है और ये जो वैल्यू होते वो इसमें पुट कर दिया जाता है, यानी कि 4:5:5:5, ये क्या होगा? 5:4:6:4 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 20:25, और ये भी 20:24 क्या हो जाएगा? 24। अब बराबर है भाई, देखा जाए बराबर तो यहां पर भी ये बराबर है और यहां पर भी ये बराबर है कि नहीं है? है। तो अब ये क्या करेंगे, सिंपल सिंपल चीज, राम मोहन और क्या हमारे पास? अनिल। तो क्या हो जाएगा? 20:25 क्या हो जाएगा? 25:24। अब देखिए इन तीनों का योग जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 69, और क्वेश्चन के अनुसार भी 69 है, इससे कितना गुना? 1 गुना है। तो इसमें भी 1 गुना हो जाएगा, इसमें भी 1 गुना हो जाएगा और इसमें भी 1 गुना हो जाएगा। पूछ किसका रहा है अनुपात? मोहन का, यानी कि मोहन का आयु जो होगा, आयु क्या होगा मोहन का? आयु जो होगा क्या होगा? 25:1 बराबर क्या होगा? 25, और यही क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल का सिंपल सा, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों क्लास यही खत्म होती है, इतना ही क्वेश्चन है इसमें, बाकी आप लगाइए किताबों से, जो नहीं आता वो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसका आंसर देंगे। और
यहीं पे ये क्लास खत्म की जाती है। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें न्यू टॉपिक आएगा, देखते हैं कौन सा न्यू टॉपिक आता है। तो इसीलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे वीडियो की, कि वीडियो जब अपलोड हो जाए वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के क्लास इतने ही रखते हैं। हाँ, आपको हमारी क्लास अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।